हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 9 का लेसन नंबर 6, दैट इज़ द टिश्यूज। हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरे सेल से बने होते हैं। सेल के बने होने के कारण उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि वो सिंगल सेल परफॉर्म करता हो और उसका जो बेसिक फंक्शन हो वो सिंगल सेल ही करता हो सब। सपोज टू बी एग्जाम्पल दे हम लोग अमीबा का, तो अमीबा एक्चुअली ये सिंगल सेल टिश्यूज है जो खाना अंदर डालने का, मतलब इनटेक ऑफ अ फूड का, रेस्पिरेशंस का, एक्सक्रीशंस का, सब काम एक ही सेल करता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। वहाँ पे जैसे हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे मिलियंस ऑफ अ सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलरली फ्यू फंक्शंस ही करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेक अप बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ सेल। सेल्स ग्रुप में होके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं एंड दे पर्टिकुलरली फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इफिशियंटली, बहुत अच्छे से। ह्यूमन बींग में देखिए तो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होने का, रिलैक्सेशंस का काम करता है। नर्व सेल्स मैसेज कैरी करने का काम करता है। ब्लड फ्लो करने का काम करता है, ऑक्सीजन, फूड और हार्मोन्स को बॉडी में, वेस्ट मटेरियल, सो ऑन। प्लांट में देखिए तो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम करके वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो फूड और वाटर को एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब हर काम को अलग अलग सेल्स ऑफ ग्रुप करते हैं। सेल्स स्पेशलाइज इन देन वन फंक्शंस आर ऑफन ग्रुप टुगेदर द बॉडी, और फिर वो लोग ग्रुप में होकर पर्टिकुलरली वो सेल का स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलरली फंक्शंस क्लस्टर्स ऑफ द सेल करते हैं डिफाइनेट प्लेस पे। अभी बात करें तो ये क्लस्टर ऑफ अ सेल है, मतलब सेल इकट्ठा होकर जो बनाते हैं, दैट इज अ टिश्यू जो हमारा लेसन बेस्ड ऑन है, उसकी अरेंजमेंट और डिजाइन हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ द फंक्शंस के लिए की जाती है। और प्लांट में मैंने अभी बोला फ्लोएम, ब्लड्स और मसल्स, ये सारे कुछ टिश्यूज है। प्लांट के टिश्यूज है फ्लोएम एंड जाइलम, और यहाँ पे ब्लड और मसल्स है वो ह्यूमन के टिश्यूज बताए हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल के टिश्यूज बताए हैं। अगर टिश्यूज के बारे में बात किया जाए तो ग्रुप ऑफ अ सेल दैट सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड वर्क टुगेदर अचीव पर्टिकुलर फंक्शंस को बोलते हैं टिश्यूज। अगर देखें तो उसका मतलब ये हो गया कि टिश्यूज मतलब हार्ट का टिश्यूज है, तो हार्ट के पास जो ग्रुप ऑफ अ सेल होंगे वो पर्टिकुलरली फंक्शंस टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, इसीलिए उसको टिश्यूज बोलते हैं, हार्ट टिश्यूज बोलते हैं, कार्डियक टिश्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का, आर द प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ अ सेम टाइप ऑफ सेल। हम लोग को नहीं पता है कि प्लांट और एनिमल का सेम टाइप स्ट्रक्चर्स है या फिर सम दोनों ही सेम परफॉर्म करते हैं, तो मैं बोल दूँ ना वो सेम परफॉर्म नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि दोनों के बीच में एक नोटिसेबल डिफरेंस है। प्लांट एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है मूव होने की। जो टिश्यूज़ होते हैं वो उनको सपोर्ट देने का और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। और जो टिश्यूज़ है मोस्ट ऑफ द डेड होते हैं, और जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, प्लांट को खड़ा रखने का काम करते हैं। और मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर दूसरी तरफ देखें एनिमल के बारे में, तो एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए, अपने मेट्स को फाइंड करने के लिए, शेल्टर्स के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए, उनकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है प्लांट के कंपैरिजन में। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, सो इसीलिए एनिमल में जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज होता है लिविंग होता है, प्लांट सेल्स में वो डेड सेल्स होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल और प्लांट के बारे में देखो तो पैटर्न ऑफ द ग्रोथ। प्लांट एक लिमिट तक ही, रीजन्स तक ही ग्रो हो सकता है। एनिमल आप देखो तो पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलरली दोनों में ग्रोथ पीरियड भी डिफरेंट है। टिश्यूज़ का जो लोकलाइज इन द सर्टेन रीजन्स बेस्ड ऑन डिवाइडिंग द कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाई। हम लोग आगे लेसन्स में पढ़ेंगे कि जो प्लांट टिश्यूज है और कितने पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं ताकि उनका जो फंक्शन है वो इफिशियंटली हो पाए। तो प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज अ मटीरियलिस्टिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यूज। मटेरियलिस्टिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज। सेल ग्रोथ इज द एनिमल इज द मोर यूनिफॉर्म। सेल ग्रोथ जो होता है एनिमल में वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, मतलब स्टेगनेंट होता है, थोड़ा हो रहा है फिर थोड़े दो साल के बाद और थोड़े दो साल के बाद, वैसे वो यूनिफॉर्म होता है। देर इज नो सच डिमार्केशंस ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन देन एनिमल। एनिमल के अंदर कोई डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग वैसे रीजन होते ही नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम्स इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स इन एनिमल देन एवरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। अगर देखने जाए कॉम्प्लेक्स प्लांट की कंपेरिजन में कॉम्प्लेक्स एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम थोड़ी और स्पेशलाइज होती है। अगर फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे तो ये दो अलग अलग मेजर ग्रुप हो गए ऑर्गेनिज्म के, जिनके फीडिंग मैथड भी डिफरेंट है।
ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर द सेडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑन द वन हैंड, जो प्लांट है जो एक ही जगह पे है, और एक तो एक्टिव लोकोमोटिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड, दैट इज एनिमल है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है. ये ऑर्गेनल सिस्टम डिजाइन में डिफरेंस आएगा क्योंकि उन दोनों का फंक्शन अलग अलग है. इट इज़ विद द रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड द प्लांट बॉडी दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट. हम आगे के लेसन में वही एनिमल और प्लांट बॉडी के टिश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं. पहला है प्लांट टिश्यूज़, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे. आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. एक ऑनियन लेना है विद अ बल्ब जहाँ पे वो हैरी सब्सटेंस हो वो, और दूसरे भी जार में हम लोग को रखना है ऑनियन. आपको एक ऑनियन को दोनों ऑनियन को एक्चुअली बारी बारी एक जार में रखना है. दोनों के लिए अलग जार लेना है. थोड़े दिन के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों की जो आगे का जो हेयर होगा ये इंक्रीज हुआ होगा. ओके सो ये इंक्रीज हुआ होगा. सो उसकी वजह से होगा क्या कि जो इंक्रीज हुआ है मुझे वो 1 सेंटीमीटर काट लेना है. आप देखोगे तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि उसका जो बल्ब है ना वही ग्रो हो रहा है. सो मैरिस्मेटिक टिश्यूज का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलरली उसका जो रीजन है कुछ ही पार्ट है जो ग्रो हो सकते हैं, कुछ पार्ट है वो सेम के सेम रहेंगे. दैट डजंट मीन कि वो प्लांट ग्रो हो जा रहा है पानी में, उसका मतलब ऐसा नहीं हो गया. उसका मतलब ये होगा जो उसकी टिप होगी जो हम लोग आके पढ़ेंगे वो एपिकल बोलेंगे. एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यूज का फंक्शन ही होता है बढ़ना आगे. सो उसके जो हेयर प्रोजेक्शंस है वो बढ़ते हैं. उसकी जो रूट टिप है, यहाँ पर नीचे आपको एक्टिविटी दी हुई है उसमें आपको दे 1, 2, 3, 4, 5 उसकी रूट को कैसे बढ़ रही है, कितनी सेंटीमीटर बढ़ रही है वो आपको नोट डाउन करनी है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है ऑब्जर्वेशंस से आंसर्स करने हैं. विच ऑफ द टू ऑनियन हैज़ अ लॉन्गर रूट, बट ऑब्वियस जो फर्स्ट जार में है उसकी. डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव द टिप, बट ऑब्वियस वो थोड़े रिमूव होने के बाद भी थोड़े ग्रो होंगे. वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन द जार टू आफ्टर वी कट दैम. एक्चुअली जो हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन में बोला कि जार वन और जार टू में से दोनों की टिप इक्वली बढ़ेगी, एक्चुअली अगर मैं जार टू की टिप काट लूंगी तो उसका स्टैग्नेंट हो जाएगा, ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगा. मैरिस्मेटिक टिश्यूज फर्स्ट का जार का वो इंक्रीज होगा. तो सेकेंड जार की क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि मैंने उसका जो एपिकल लेयर है यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है एपिकल लेयर मैंने काट लिया. सो वो वहाँ पे जो ग्रोइंग सेल होगा वो डैमेज हो गया होगा, वो निकल गया होगा, इसलिए वो वहाँ पे ग्रो नहीं होगा. द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अकर ओनली इन द सर्टन स्पेशलाइज रीजन. यहाँ से हम लोग को ये पता पड़ता है कि आप पर्टिकुलरली रीजन ही प्लांट में ग्रो होता है. इसका मतलब ये हुआ उसको डिवाइडिंग टिश्यू जो होते हैं जो सेल को आगे बढ़ने में मदद करते हैं उसको मैरिस्मेटिक टिश्यूज बोलते हैं. वो पर्टिकुलरली पॉइंट पे ही लोकेटेड होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स उनकी प्रेजेंट मैरिस्मेटिक टिश्यूज में क्लासिफाइड होती है 3 मोड में. ऊपर के पार्ट को एपिकल टिश्यूज बोलते हैं, मिडल वाले पार्ट जहाँ पे लीव्स आते हैं जहाँ पे फ्रूट्स आते हैं उसके जो इंटर नोड होते हैं यहाँ पे इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक होते हैं. जो स्टेम होती है उसको लेटरल मैरिस्मेटिक बोलते हैं. ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तीनों का फंक्शन डिफरेंट है. न्यू सेल प्रोड्यूस बाय द मैरिस्मेटिक आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ द मैरिस्मेटिक इटसेल्फ, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक स्टोली चेंज. एक्चुअली स्टार्टिंग के स्टेज में मैरिस्मेटिक टिश्यूज का काम होता है ग्रो होना बढ़ना. एक स्टेज के बाद उनका जो चेंज होता है वो स्लो हो जाता है एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड कंपोनेंट ऑफ द अदर टिश्यू. और बाकी टिश्यू की कंपेरिजन में हम लोग आइडेंटिकली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा दिस इज एपिकल टिश्यू जो टिप में है. इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक जो रूट्स लीव्स के जो नीचे बर्ड्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और लेटर मैरिस्मेटिक टिश्यूज है वो हम लोग को स्टेम में पाए जाते हैं. द गिर्थ ऑफ अ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मैरिस्मेटिक. जो लेटरल मैरिस्मेटिक है वो इंक्रीज होगा इसलिए जनरली उसका जो स्टेम है प्लांट का वो इंक्रीज होता है. इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज एट द बेस ऑफ द लीव्स और द इंटरमोलिक्यूल. जो इंटरकैलरी टिश्यूज में मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो ये जो होता है वो बर्ड्स के पास होता है जहाँ पे लीव्स और इंटरनोड्स होती है ट्विग्स की वहाँ पे. एज अ सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म. उनके अंदर साइटोप्लाज्म हम लोगों ने लास्ट लेसन में ही पढ़ा साइटोप्लाज्म क्या होता है. इट्स अ फ्लूइडी लिक्विड जिसकी जो वॉल होती है वो थीन सेल्यूलोस से बनी होती है और यहाँ पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है. दैट मीन्स न्यूक्लियस का छोटा फॉर्म होता है. वैक्यूल्स नहीं होते. वैक्यूल क्यों नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ दे डू नॉट स्टोर द फूड, स्टोर फूड नहीं करते इसीलिए वहाँ पर वैक्यूल नहीं होते. नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट टिश्यूज. अभी बोले कि व्हाट हैपन टू दी सेल्स फॉर्म बाय द मैरिस्मेटिक टिश्यूज. अपन 6.2.2 परमानेंट
6.2.2 permanent tissues. What happened to these cells formed by the meristematic tissues? They take up the specific role and lose their ability to divide. एक time आता है तो meristematic tissues अपना functions slow down होना start हो जाता है और फिर stop हो जाता है. तो वहाँ पे होता क्या है, वो convert हो जाता है permanent tissues में. Permanent tissues shape, size और functions differentiate होते हैं हर किसी की comparison में. आपको permanent tissue देखने को मिलेंगे तो आपको अलग अलग size, अलग अलग shape, अलग अलग functions करते हुए दिखेंगे. सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ परमानेंट टिश्यूज, और यहाँ पे अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे. 6.2 में आपको प्लांट की स्टेम लेनी है टीचर की मदद से, आपको थीन स्लाइड्स पे काट के फिर उसको स्लाइड्स पे रखना है माइक्रोस्कोप की, और वहाँ पे आपको सेफ्रोनाइट डालना है और फिर आपको ग्लिसरीन का डॉट डालना है एंड पुट द ड्रॉप ऑफ अ ग्लिसरीन एंड फिर आपको कवर स्लिप डाल के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. उससे ये क्वेश्चंस रेज होंगे, आर द ऑल द सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर? नो, सारे सेल जो होंगे सिमिलर नहीं होंगे स्ट्रक्चर में. हाउ मेनी टाइप ऑफ अ सेल कैन बी सीन? बहुत ही टाइप के, अलग अलग टाइप के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, परमानेंट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे. कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन वाई और वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ अ सेल? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो सेल्स होंगे, इसका आंसर देंगे तो सारे जो सेल होंगे वो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होंगे, इसीलिए उसकी फंक्शंस के हिसाब से उसका साइज और शेप चेंज होगा. वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट आउट द प्लांट रूट. आप ये फंक्शंस, ये एक्टिविटी रूट्स को काट के भी कर सकते हो, आपको सेम वे देखने को मिलेगी. परमानेंट टिश्यू में पहली टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, फ्यू लेयर्स ऑफ अ सेल्स. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक पार्ट को जूम करके उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये है पर्टिकुलरली एक टिश्यूज. फ्यू लेयर ऑफ अ सेल्स फ्रॉम बेसिक पैकेजिंग टिश्यूज, इसको पैरेन्क्लाइमा बोलते हैं, जो सिर्फ पैकेजिंग करने का काम करता है. आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज द पैरेन्क्लाइमा, और वो काम करता है पैकिंग टिश्यूज़ के अंदर, पैकिंग का काम करता है. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद अ थिन सेल वॉल. उसके अंदर की जो सेल होते हैं उनके अंदर एकदम पतली पतली सेल वॉल होती है, और दे लाइव सेल, वो लिविंग सेल होते हैं. दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और वो लूजली पैक्ड होते हैं. सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल आर फाउंड इन दिस टिश्यूज, एक दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज देखने को मिलते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है और वो प्लांट को सपोर्ट देने का और खाना स्टोर करने का काम करते हैं. इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कहीं कहीं पे वहाँ पे क्लोरोफिल भी पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. वैसे टाइप के टिश्यूज को बोलते हैं कोलेनक्लाइमा. इन एक्वाटिक प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उनके अंदर लार्ज एयर कैविटी होती है उनके पैरेन्क्लाइमा में, ताकि वो प्लांट को ब्यूएंसी दे पाए, प्लांट पानी में फ्लोट कर पाए. ऐसे जो पैरेन्क्लाइमा टाइप ऑफ टिश्यूज को एरेन्क्लाइमा बोलते हैं. पैरेन्क्लाइमा ऑफ द स्टेम एंड द रूट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिशंस एंड वाटर. पैरेन्क्लाइमा स्टेम जो होती है वो न्यूट्रिशंस और वाटर को स्टोर करती है. पैरेन्क्लाइमा ऑफ अ सेल एंड द रूट ऑल्सो स्टोर द न्यूट्रिशंस एंड वाटर. पैरेन्क्लाइमा ऑफ अ स्टेम एंड रूट वो न्यूट्रिशंस एंड वाटर को स्टोर करती है. एक बार ये टाइप वापस से क्विकली रिवाइज करवा दूँ तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए टाइप बता देती हूँ. पैरेन्क्लाइमा एक टाइप बताई हुई है यहाँ पे. पैरेन्क्लाइमा, पैरेन्क्लाइमा का काम होता है पैकेजिंग टिश्यूज के, एज जो जिसकी वॉल जो होती है बहुत थिन होती है और अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है. दूसरे यहाँ पे हम लोग को बताया दैट इज़ अ क्लोरेनक्लाइमा. क्लोरेनक्लाइमा कहीं कहीं टिश्यूज पे क्लोरोफिल देखने को मिलता है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है. एक्वाटिक प्लांट के अंदर पैरेन्क्लाइमा जैसा टिश्यूज दूसरा होता है जो प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है, वैसे टाइप को बोलते हैं एरेन्क्लाइमा. यहाँ पे हम लोगों ने तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े, उनके फंक्शन आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए केयरफुली देखिएगा. फ्लेक्सिबिलिटी इन एन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यूज कोलेनक्लाइमा. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट की, अभी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अब प्लांट को मोड़ो तो वो तुरंत से टूट नहीं जाते, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े मोड़ पाते हैं, और लीव्स भी थोड़े लचीलेपन होते हैं उसके अंदर. तो ये जो बैंडिंग फंक्शंस है ये कोलेनक्लाइमा की वजह से. कोलेनक्लाइमा ये टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज है जिसको प्लांट को टूटने से बचाता है. कभी कभी विंड बहुत जोर से आ जाती है तो प्लांट टूट नहीं जाए, तो वो कोलेनक्लाइमा देखने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है. टिश्यूज़ कुछ इस हिसाब से होते हैं. वी कैन फाइंड दिस टिश्यूज एट द लीव स्टॉक. लीव जो होते हैं उसके ऊपर का स्टॉक पे देखने को मिलते हैं, मतलब जो लीव्स का ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, जो बीच में से डंडी जाती है वहाँ पे. बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है वो लेटर हम लोग देखेंगे. द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग, और ये जो सेल होता है वो लिविंग होता है.
लंबे होते हैं, इरेगुलर और थिकन एट द कॉर्नर। नीचे आपको बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यू देखने को मिल रहे होंगे कॉर्नर पे, एंड इंटर सेलुलर जो स्पेस होती है उनके बीच में बहुत कम होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सब एकदम टाइटली पैक्ड है, बहुत ही कम स्पेस है। ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज है। पहला जो बात कर रहे हैं, दिस इज पैरेन्क्लाइमा, ए पैरेन्क्लाइमा है, बी जो है हमारा ट्रांसवर्सल सेक्शंस है, थर्ड जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस है, उसमें बी लिखा हुआ है कोलेनक्लाइमा। आपको बी में सेकेंड पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सी यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहा है दिस इज अ स्केलेनक्लाइमा, और ये जो दिख रहा हुआ है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है कोलेनक्लाइमा का। येट अनदर टाइप ऑफ अ परमानेंट टिश्यूज इज स्केलेनक्लाइमा। स्केलेनक्लाइमा एक दूसरे टाइप के परमानेंट टिश्यूज है। ये टिश्यूज है प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने का काम करता है। जैसे कि आपने कोकोनट देखा होगा तो बाहर का जो हस्क होता है वो पूरा स्केलेनक्लाइमेटस टिश्यू से बना होता है, वो जो डेड होता है। जब परमानेंट टिश्यू डेड हो जाते हैं तो कोकोनट में स्केलेनक्लाइमा फॉर्म कर देते हैं। जो लॉन्ग और नैरो वॉल थिकन हो जाती है, उनका जो बाहर का लेयर होता है वो केमिकल नेम लिग्नाइन से कवर हो जाता है, जो प्लांट को सीमेंट मीन्स हार्ड बनाने का काम करता है। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इतनी वॉल उनकी इतनी थिक होती है कि उनके जो सेल के बीच में थोड़ी भी स्पेस नहीं होती है। एंड ये जो टिश्यूज है जनरली स्टेम्स, वेस्कुलर बंडल, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड्स, नट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, जो प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। 6.3 में एक फ्रेश रोइयो का लीव आपको प्लग करना है, एंड फिर वहाँ पे आपको थोड़ा उसको ब्रेक करके ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि उसका जो टिश्यूज है ना वो वहाँ पे रह जाए। बाय ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटल सो दैट सम पिल जो स्किल ना वो बाहर प्रोजेक्ट हो जाए ऐसे कट से। ओके, रिमूव दिस पिल, वो जो पिल बाहर निकला उसको आपको काट लेना है और फिर उसको पानी के अंडर डाल देना है, थोड़े सेफ्रोनाइन्स के डॉट डाल दें, थोड़ी मिनट तक वेट करना है, फिर आपको उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है स्लाइड्स पे और फिर माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा कुछ फिगर देखने को मिलेगा। ये जो ऐसा लेयर है दिस इज द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल एक्चुअली यूजुअली एक ही सेल एक ही लेयर से बने होते हैं। इन सम लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, ये ड्राई हैबिटेट में रहता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो वहाँ पे पाए जाते हैं। एपिडर्मल्स में भी थिकन सिंस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस इन द क्रिटिकल्स। जब बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब ये एपिडर्मल कभी कभी थिक भी हो सकता है। द एंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। जो पूरा जो सर्फेस है प्लांट का आउटर कवरिंग एपिडर्मिस से बना होता है, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो एपिडर्मल्स होता है एरियल्स प्लांट में वो सीक्रेट करते हैं वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंस लेयर आउटर सर्फेस पे, ताकि प्लांट है वाटर रेजिस्टेंट रहे और थोड़ा वैक्सी सीक्रेट हो ताकि वो बैक्टीरिया अटैक से बचा पाए। दिस एड इन द प्रोटेक्शन ऑफ द अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन बाय द पैरासिटिक फंगी। मैंने अभी बोला आपको कि जो फंगस है बैक्टीरिया है उसके अटैक से बचाता है। सेन इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है। जो एपिकल सेल्स होते हैं वो थोड़े फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर साइड्स वॉल आर थिकन देन द इनर वॉल। उनकी जो आउटर सेल्स होती है वो इनर वॉल से थोड़ी थिकर होती है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर। आपको वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की तो ऐसे स्मॉल स्मॉल पोर दिख रहे होंगे। दिस इज द पोर। ओके, सो दिस इज द पोर, इसको बोलेंगे स्टोमेटा, स्टोमा एक होगा तो स्टोमा बोलेंगे और बहुत सारे होंगे तो स्टोमेटा। आपको पोर्स दिख रहे होंगे और उनके आजू बाजू एकदम किडनी शेप के आपको गार्ड सेल देखने को मिलेंगे। दिस इज द किडनी शेप गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स है। एंड इन सम प्लांट लाइक अ डेजर्ट प्लांट, ये बहुत ही थीक वैक्सी कोटिंग होता है, क्यूटीन करके एलिमेंट का बना होता है, केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ऐसा रीज़न क्यों? क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है प्लांट में, इसकी वजह से उसका जो बाहर का कोटिंग होता है वो क्यूटीन से बना होता है। इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम? बट ऑब्वियस, जो बराना प्लांट है
उसकी कंपैरिजन में यंग स्टेम की जो आउटर सरफेस या इनर सरफेस होगी वो डिफरेंट होगी। एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, ओल्ड हो जाता है, उसका जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्मेटिक रिप्लेस द एपिडर्मल ऑफ द टिश्यूज, जो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक थे वो अभी चेंज हो जाएंगे एपिडर्मल टिश्यूज में। सेल्स ऑन द आउटर साइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, दिस फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ अ ट्रीज, उसका जो नीचे का जो ट्रंक का पार्ट होता है वो बनने में मदद करता है। और जब सेल ऑफ द कॉर्क डेड हो जाते हैं तो ये अरेंज हो जाता है विदाउट एनी इंटर सेल्यूलर स्पेस, उनके बीच में स्पेस नहीं होती है, और जो सेल्स होते हैं ऐसे एकदम बाजू बाजू में एकदम टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। एंड उनके बीच में केमिकल होता है सुबेरिन, जो उनकी वॉल को इम्पेरेटिवली गैस मेक देम इम्पेवियस टू दी गैसेज एंड वाटर, ताकि गैस और वाटर का एक्सचेंज हो पाए। सुबेरिन केमिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सुबेरिन करके केमिकल होता है जो गैस और वाटर को अंदर बाहर इम्पेवियस करने में मदद करता है। अगला लेसन्स, आगे का लेसन्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।